हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, सब कुछ हमने प्रैक्टिकल करके देखा। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि एंगुलर मटेरियल का क्या कंसेप्ट है, हम क्यों एंगुलर मटेरियल यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं और इसका क्या कंसेप्ट होता है, राइट, और ब्राउजर पर इसका इफेक्ट कैसे दिखता है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इंस्टॉल कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, राइट। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एप्लीकेशन मॉडर्न और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं और या रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आप इसको लास्ट तक अच्छे से देखें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, एंगुलर मटेरियल क्या है कि एक यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है एंगुलर डेवलपर्स के लिए। ये बहुत ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप अपना एप्लीकेशन अट्रैक्टिव और मोर स्टाइलिश बना सकते हैं और फंक्शनल वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों, और भी बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जैसे ब्राउजर पोर्टेबिलिटी, डिवाइस इंडिपेंडेंस और ग्रेसफुल डिग्रेशन, राइट। दोस्तों, ये क्या है कि एंगुलर क्या है कि ऑप्टिमाइज है, एंगुलर जो मटेरियल है ऑप्टिमाइज है एंगुलर के लिए। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर टीम के द्वारा बनाया गया है, इसलिए एंगुलर के साथ इजिली इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। मैं इसको इंटीग्रेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि एंगुलर के टीम जो है उसी ने इसको डेवलप किया है, इसलिए जल्दी इंटीग्रेट हो जाता है। ये वर्सटाइल है, मीन्स की थीमेबल है। इसके जैसे कि दोस्तों, आपका कोई एप्लीकेशन है उसका अच्छा ब्रांड देना चाहते हैं, कलर और थीम उस पर अप्लाई करना चाहेंगे तो एंगुलर मटेरियल अपना थीम भी देता है, उसको आप चूज कर सकते हैं, जो थीम मन करे वो लगा सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखाएंगे कि कौन सा थीम कहाँ से दिखेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, राइट। अगला है दोस्तों कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है, मीन्स कि एंगुलर मटेरियल जो है वेरी मिनिमल और फ्लैट होता है, राइट। मीन्स कि इस पे नए सी एस एस एड करना भी ईजी है और फिर एग्जिस्टिंग सी एस एस को भी आप इजिली ओवरराइड कर सकते हैं, राइट। मीन्स कि ये दोस्तों शेडो और बोल्ड कलर को सपोर्ट करता है। आगे आप देखेंगे कि दोस्तों एक्सटेंजिबल भी होता है, मीन्स कि ये दोस्तों आप एक बार एंगुलर मटेरियल में कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन डिजाइन कर लिए तो किसी भी डिवाइस पर आप चला सकते हैं, अपने आप को रिडिजाइन कर लेता है, मीन्स कि प्योर रिस्पॉन्सिव होता है। मीन्स कि आप एंगुलर मटेरियल में जो भी वेबसाइट बनाते हैं तो या टेबलेट, पीसी, टैबलेट्स या मोबाइल डिवाइस किसी पर ओपन करेंगे तो वहां पर इजिली ओपन हो जाएगा और ये अपने आप को उस तरीके से रीडिजाइन कर लेता है, राइट। मीन्स कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए और किसी भी डिवाइस पर, किसी भी साइज के डिवाइस पर चलाइए, आपका एप्लीकेशन 100% परफेक्ट चलेगा, राइट। तो देखिए कितना अच्छा हो जाता है अगर आप एप्लीकेशन आप एंगुलर मटेरियल को यूज करके बनाते हैं, राइट। अगला होता है दोस्तों कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। तो दोस्तों, इसका एक कमांड होता है npm install dash dash save @angular/material @angular/cdk और एनिमेशन। दोस्तों, मीन्स कि एक बार ये कमांड आप अपने टर्मिनल में या cmd पर लगा कर चलाते हैं तो आपके एप्लीकेशन में तीन चीज इंस्टॉल होता है, थ्री डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाता है। एक तो मेटेरियल होता है, cdk होता है और एनिमेशन, राइट। तो दोस्तों, जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे हिट करेंगे इस कमांड को अपने टर्मिनल में तो या कमांड लाइन पर, तो फिर आपके पास आपके एप्लीकेशन में ये तीनों चीज इंस्टॉल हो जाएगा जिससे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर एंगुलर मटेरियल इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के तरफ और इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको यूज करते हैं स्टेप बाई स्टेप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अच्छे से देखिए, हो सके तो नोट कर लीजिए या फिर लास्ट तक देखते जाइए। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, राइट। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल और चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा प्रोजेक्ट है सिंपल सा, इसमें नॉर्मल अभी हमने कुछ भी वर्क नहीं कर रखा है। अगर इसको हम रन कराते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको एनजी सर्व करते हैं या फिर सब किया हुआ है तो इसको अगर जैसे हम सेव करते हैं दोस्तों, तो या फिर एनजी सर्व लिखेंगे तो रन कर जाएगा, ब्राउजर में एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल नॉर्मल इस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, पहले अगर हम इसमें मटेरियल यूज करेंगे एंगुलर मटेरियल, तो उसके लिए हमें एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि या तो आप यहाँ पर
इसके टर्मिनल के अंदर यहाँ पर हम पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा कि npm इंस्टॉल करना होगा, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि एंगुलर मटेरियल का एक साइट है, वहां से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे material.angular.io होता है, इस पर गेट स्टार्टेड कर रहता है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके और अपने टर्मिनल में आप पेस्ट करेंगे, और ये जैसे ही इंटर करेंगे दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारे प्रोजेक्ट में क्या करेगा कि इंस्टॉल कर देगा एंगुलर मटेरियल को, उसके साथ उसके CDK को भी और उसके एंगुलर के एनिमेशन को भी इंस्टॉल करेगा। इट विल टेक सम टाइम, इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि तो अगर अभी भी हम दोस्तों इसको अगर हम सेव करते हैं या फिर इसमें हम क्लियर करके यहाँ पर सेव करते हैं या फिर हम ng सर्व करते हैं, तो अभी भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा जब तक इस पर हम वर्क नहीं करेंगे। तो सर्व करके मैं आपको एक बार ब्राउजर में दिखा देता हूँ कि अभी कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ये एक्टिवेट हो चुका है, मीन्स ये कंपाइल हो गया। हम इसको ब्राउजर में देखना चाहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर IGT दिख रहा है, मीन्स कि हमने इंस्टॉल करने के बाद भी इंस्टॉलेशन के बाद हमें वर्क करना होगा इस पर। तो अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि अपने इसको चेंज करें तो उस तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि app.module.ts फाइल में हमें इम्पोर्ट करना होगा, राइट। यहाँ पर हमने जो जो मेन कंपोनेंट है उसको हमने इंपोर्ट कर रखा है। एक्चुअली जो जो कंपोनेंट हमें यूज करना होता है दोस्तों, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हुआ, चेक बॉक्स हुआ या फिर टूल बार हुआ, सारे चीजों के लिए हमें यहाँ पर एक एक करके इंपोर्ट करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर रखा है ng मॉड्यूल को, इंपोर्ट कर रखा है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल और ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल, उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है या ये मेन चीज है जो कि मेटेरियल की, जिससे इस पर मैट लगा हुआ है, राइट। तो मैट टूल बार मॉड्यूल, मट मेन्यू मॉड्यूल, सबको जो जो मेन चीजें होती है कंपोनेंट, उसको हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से इंपोर्ट करना है, इसके बिना हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कंपोनेंट करना है, टूल बार हमें यूज करना है, आगे मैं करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए हमें मैट टूल बार में मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे यहां पर रजिस्टर करना होगा इंपोर्ट्स के अंदर। यहां पर हमने मैट का जितना भी इंपोर्ट किया था उसमें हमने रजिस्टर किया, डिक्लेयर किया जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट भी हमने कर लिया। एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं दोस्तों ताकि हम कहीं भी किसी कंपोनेंट पर यूज कर सकें। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि app.module.ts फाइल के अंदर हमने किया, राइट। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यूज कर सकते हैं अपने किसी कंपोनेंट पर एंगुलर मटेरियल का भी कोई भी कंपोनेंट। इसके लिए मानो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, इस ब्राउजर में जो कि हमारा मटेरियल का वेबसाइट है, टूलबार ऐड करते हैं। पहले हम जाते हैं कंपोनेंट पर, और यहाँ के बाद इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जो जो कंपोनेंट आपको यूज करना होता है, यहाँ पे आप उसका कोड ले सकते हैं। जैसे मानो हमें दोस्तों कोड टूलबार ऐड करना है, राइट। ये हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि माई ऐप लिखा हुआ है और यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ इमेज ऐसा आ रहा है इस तरीके से। तो इसका कोड देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कोड देख सकते हैं। इसको IGT आप यूज कर सकते हैं, मैट मतलब मटेरियल होता है टूल बार। इसको अगर कॉपी करके हम दोस्तों अगर एप्लीकेशन में हम लगाते हैं, यहाँ पर जो हमारा HTML इसको हम हटा देते हैं, राइट। और यहाँ पर हमने ये लगा दिया, और जहाँ पर माई ऐप लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, एक स्पैन ले लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। स्पैन हमने लिया और इसमें हमने लिया सॉफ्ट सॉल्यूशंस, राइट। और इसमें टूल बार में हम कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पर कलर दे सकते हैं इसका टूल बार का यहाँ पर, कलर इक्वल टू एसेंट इसका जो कि एंगुलर का कलर होता है। इसको जैसे हम सेव करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पहले आपको रन कराकर दिखाता हूँ। देखिए टूल बार बन कर आ गया उसमें, और ये सॉफ्ट लिखा हुआ है, ये कलर अपने आप दिख रहा है, ऐसा
क्यों दिख रहा है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया है कि एंगुलर मटेरियल का जो बाय डिफॉल्ट जो थीम आते हैं, उस थीम को मैंने पहले ही यहाँ पर राइट करके लिख रखा है। आप इसको नोट कर सकते हैं कौन कौन सा थीम होता है। एक पिंक का लगा रखा है, ब्लू, ग्रे, एम्बर और ग्रीन। अगर हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें दूसरा हम लगाएं, तो यहाँ पर इसको जैसे हम इसको कमेंट कर लेते हैं, राइट, कंट्रोल के सी करेंगे, कमेंट हो गया। और इसको हम अगर चाहते हैं कि इसको हम अनकमेंट करें, तो कंट्रोल के यू करेंगे, ये करेंगे, राइट। तो ये थीम हमारा अपने आप अप्लाई हो जाएगा। सेव करेंगे इसको, हम ब्राउजर में देखेंगे तो इसका थीम का कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। मीन्स कि ये दोस्तों हमने जो लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने styles.css मीन्स कि एप्लीकेशन का जो css होता है, उसमें हमने इस थीम को डाल रखा है। मीन्स कि यहाँ पर जो थीम लगाएंगे पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई हो जाएगा, राइट। ये बाय डिफॉल्ट थीम होते हैं एंगुलर मटेरियल का, जो कि आपके एप्लीकेशन को एक नया लुक देता है, राइट। अगली बार हम देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन में, इस पेज पर उसको कैसे ऐड करते हैं देखते हैं हम। उसके जाएंगे app.component.html पर, और एक हम पहले आपको बता दूं कि यहाँ से आप इसको उठा भी सकते हैं, यहाँ पर कार्ड को, यहीं पर जो है कार्ड होता है, राइट। ये कार्ड का मतलब दोस्तों होता है एक अलग अलग पार्टिकुलर डिवाइड करता है पेज को, कि मीन्स की उस मैंने एक अब सब्जेक्ट के अंदर जैसे हम पहले फील्ड सेट लेते थे, उस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग पेज को डिवाइड करता है एक सब्जेक्ट लाइन के लिए, और उसमें हम अपने कंटेंट को रख सकते हैं, राइट। इसका क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी कोड होता है मैट कार्ड, इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर डाल लीजिए और कार्ड को हटा लीजिए, यहाँ पर हम कुछ और डालेंगे, राइट। इसी पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें मैट कार्ड के अंदर टाइटल डालना हो तो मैट कार्ड का टाइटल भी होता है। चलिए इसको भी हम यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाकर मैट का टाइटल है, इसको हम बंद कर लेंगे, और इस मैट का टाइटल के अंदर हम अगर लिखते हैं कुछ भी, मैंने कुछ भी लिख लेते हैं अपने नॉलेज के लिए, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने दोस्तों कि एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट विद एंगुलर फाइव, राइट। अगर इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो आप देखेंगे कि एक मैट कार्ड के अंदर एक टाइटल आ जाएगा, ब्राउजर में आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट आ गया ये, और आप ये देख रहे हैं कि इसको अलग से पेज पर ही अलग से डिवाइड कर दिया है मैट कार्ड को, देख रहे हैं आपको यहाँ लाइनिंग दिख रहा है। अब मींस कि अभी इस मैट कार्ड के अंदर जो भी ऐड करेंगे इसी के अंदर आएगा, नीचे एक नीचे लाइनिंग जैसा आएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं फिर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं इसमें। इसके लिए फिर एक और क्या करते हैं कि मैट कार्ड कंटेंट होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, जहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। मैट कार्ड कंटेंट होता है, मैट कार्ड इमेज होता है, इमेज डालने के लिए इमेज होता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि मान लो कि हमें टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी ऐड करना है इनपुट टाइप का, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर सारा चीज अवेलेबल है, यहाँ पर जैसे मैंने इनपुट टाइप का लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा डिजाइन दिख रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये इनपुट टाइप का है, इसका कोडिंग अगर हमें लेना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और ये कोड ले लेंगे, राइट, कोड ले लेंगे और इस पर हम जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स बना देगा, और एक में पहले से ही ये नाम लिखा हुआ है। अगर हम ये नेम हटा दें, वैल्यू कुछ नहीं दें, तो आई पहले तो रन दिखाता हूँ कि नेम पहले से डाला हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रन होने के बाद ये बंद कर आ गया, राइट, पहले से डाला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर हटा देते हैं यहाँ से इसको, वैल्यू को हटा दें, पहले से कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए कुछ नहीं आ रहा है, राइट, दो टेस्ट क्वेश्चन में डाल दिया। अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है फेवरेट फूड लिप कमेंट, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो ये हमारे प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड यहाँ पर लास्ट नेम। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर इनपुट टाइप है, मीन्स एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा और एक टेक्स्ट एरिया है, मीन्स कि हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। जब पहले भी आपने अगर सिंपल sp.net यूज किया होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि टेक्स्ट एरिया अलग होता था,
टेक्स्ट बुक्स अलग होता था, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग है। और इसको जैसे ही इफेक्ट आप देखना चाहेंगे तो उससे करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मीन्स ये फंक्शनलिटी क्या है, सिंपल सा कोडिंग है और ये आपका अच्छा सा लुक दे देता है। अब आप इसका थीम भी एक बार फिर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर थीम में जाकर मैं लीजिए, मान लीजिए इसको मुझे कंट्रोल सी करना है और पिंक वाले को करना है, फिर कंट्रोल यू, इसको सेव करेंगे हमारा एप्लीकेशन, फिर पूरा थीम चेंज हो जाएगा, देख लीजिए राइट। मीन्स कि कोई भी पेज कंपोनेंट बनेगा इस एप्लीकेशन में, अगर वहां से थीम को चेंज कर देंगे तो पूरे एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाएगा अपने आप, राइट। ये था हमारा एंगुलर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और सिंपल सा हमने यूज करके भी देखा कि कैसे यूज करते हैं इसको। तो ट्यूटोरियल के आगे हम वीडियो में लेकर आएंगे कि हम रिएक्टिव फॉर्म कैसे यूज करते हैं एंगुलर मटेरियल के साथ। और दोस्तों मैं एक बार और आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर एंगुलर मटेरियल का एक लिस्ट बनाने वाले हैं, उसमें बहुत सारे यूज करके दिखाएंगे प्लेलिस्ट के साथ, कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका डेटा कैसे TS फाइल पर लेके आते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, पूरा एंगुलर मटेरियल का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जो आप उसको देख सकते हैं और एंगुलर मटेरियल इजिली सीख सकते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।